हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक डिज़ाइनर स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीक़ा से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लिए हैं, इसका मेजरमेंट हम बता दे रहे हैं। इसका लेंथ है 12 इंच और इसका मोहरी है 5 इंच और ये लंबी स्लीव्स है। तो यहाँ से 3.5 इंच पे इसको गहराई किए हैं और इसका आर्म होल 8.5 इंच पे लगाएंगे हम निशान। उसके बाद यहाँ से हम सीधा करेंगे यहाँ पे, हम 2 इंच मार्जिन लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ से भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे स्क्वायर में। इस तरह से उसके बाद इसमें हम यहाँ पर हम 1.25 इंच पे निशान लगा लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से इस तरह से बना लेंगे। जहाँ पे हम निशान लगाए हैं एकदम सेम उसी पे हमको इस तरह बनाना है। इस तरह से स्क्वायर बनाकर इसमें हमको ट्रायंगल बना लेना है। सिलाई से रिलेटेड किसी भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लिए हैं, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं, अब इसको हम कटिंग करेंगे। जो सिलाई हम लगाए थे उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ के हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमको सब काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे कोने में। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद इसको हमको सुई के सहारे से इसका नोक निकाल लेना है। इस तरह से हम पूरा कोना निकाल लिए हैं, अब इसमें हम फ्रिल लगाएंगे
तो फ्रिल के लिए यहाँ पे हम कपड़ा ले लिए हैं, यहाँ से हमको इसको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। मेरा फ्रिल थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। तो इसको हम पलट लिए हैं, पलट कर इसको हम प्रेस कर लिए हैं और उसके बाद इसमें हम फ्रिल बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम फ्रिल बना लिए हैं और उसके बाद इसमें हमको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से हमको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पर ये मेरा फ्रिल लग गया है। उसके बाद इसको हम पलट देंगे इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऊपर से। आपके पास लैस हो तो लैस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं और ये मेरा स्लीव बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम मोती लगाएंगे इस तरह से इसको पकड़ना है। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से मोती टाक देना है इसमें। तो इस तरह से हम इस साइड करेंगे एक और उसके बाद यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरे मोती लगा लिए हैं और आप लोग यहाँ पर लेस भी लगा लीजिएगा तो बहुत सुंदर लुक आएगा। तो यहाँ पर ये मेरा प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।